महिलाएं सुरक्षित अपने आप को महसूस कर रही हैं? जी 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 बिल्कुल, महिलाएं इस वक्त सुरक्षित महसूस करती हैं कि अगर कोई कुछ कहता है तो वो जाके पुलिस में सीधा कंप्लेन करें तो एक्शन होता है, रैपिडली एक्शन होता है उस चीज के लिए। नमस्कार, स्वागत है आपका हेडलाइंस इंडिया पर। मैं हूँ नवीन चौहान। कैराना में पहुंचा हूँ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज कैराना आने वाले हैं और जिस जगह मौजूद हूं यह है विजय सिंह पथिक राजकीय महाविद्यालय और यहीं पर आज मुख्यमंत्री का कार्यक्रम है। उसको लेकर कैराना आज छावनी में तब्दील हो गया है। लगभग मेरठ जोन के सभी जिलों की पुलिस यहां पर आ चुकी है। लगभग 7 SSP, 17 CO और 55 से ज्यादा निरीक्षक और तमाम बड़े अधिकारी आपको यहां पर दिखाई देंगे। यानी फुल प्रूफ प्लान पुलिस ने बनाया है कि सुरक्षा में कोई चूक ना हो जाए और आज अभी से बैरिगेटिंग लगाकर रास्ते बंद कर दिए गए हैं, आवाजाही पूरी तरह से बैन। और आप देखिए, योगी को देखने के लिए स्कूल के भी बच्चे यहां पर पहुंच चुके हैं और संख्या भारी है। और ये देखिए, ये वो मेन एंट्री है जहां से लोग एंट्री कर रहे हैं, यानी ये सभा स्थल का दरवाजा है, वो एंट्री है और इसी से होते हुए तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पर जाते नजर आ रहे हैं। और ये तस्वीरें आपके सामने हैं कि किस तरह से लगातार एक एक कर यहाँ पर लोग जो हैं वो पहुँच रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि आज मुख्यमंत्री यहाँ पर आ रहे हैं। कैराना में पलायन का मुद्दा लगातार चलता रहा और अब जब 2022 चुनाव आने वाला है तो योगी की यहाँ पर एंट्री हो रही है। आज उन तमाम लोगों से भी मिलेंगे जो 2017 से पहले यहाँ से पलायन कर गए थे। बहुत बड़ा मुद्दा ये चला था, लेकिन अब आज मुख्यमंत्री उनके साथ काफ़ी देर तक मीटिंग करेंगे, मुलाकात करेंगे, बात करेंगे, उनके हालचाल जानेंगे और उसको लेकर यहाँ पर चप्पे चप्पे पर पुलिस लगा दी गई है। तमाम जो संदिग्ध हैं वो उनको चिन्हित किया जा रहा है, कोई भी ऐसा शख्स ना दिखे। जो खुफिया विभाग की टीम है वो यहाँ पर डेरे डाल चुकी है और पुलिस तो आपको हर जगह चाक चौक चौराहे पर नजर आएगी। और यही वो रास्ता है जो सीधा रैली स्थल तक जाता है। और ये तस्वीरें आपके सामने हैं कि हर जगह पुलिस के कर्मचारी हैं और लोग इस रैली में शिरकत करने आ रहे हैं। तमाम लोग इस तरीके से, या भाई साहब कहाँ से आए? कैराना से जी। कैराना से तो योगी को देखने आए? नहीं, हमारी ड्यूटी है इधर, हमारी शिक्षा के, हम तो हमारी ड्यूटी है इधर। तो ये देखिए आप, तमाम लोगों की ड्यूटी भी लग रही है और आम आदमी भी अंदर जा रहे हैं। हालांकि अभी धीरे धीरे, जैसे क्योंकि 10:30 से ज़्यादा का समय हो गया है तो धीरे धीरे अब लोग आने भी शुरू हो गए हैं और जिनकी ड्यूटी थी उन्होंने भी अपना मोर्चा संभाल लिया है। कर्मचारी है आप भी? कर्मचारी है। लेट हो जगह से? नहीं, लेट नहीं हुआ सर, टाइम पे राइट राइट है। टीचर है? सब टीचर है। टीचर है सर, कार्यक्रम में ड्यूटी लगा रखी है। ड्यूटी के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं, सब टीचर हैं। और ये देखिए, महिलाएं भी यहाँ पर आ रही हैं। उसके अलावा रैली में भी लोग लगातार पहुँच रहे हैं। और ये वो गेट है जो आप देख सकते हैं इस डिग्री कॉलेज का, जहाँ से लगातार एंट्री हो रही है। और अब लाइन लंबी लग गई है, लाइन लंबी हो रही है। एक एक शख्स की चेकिंग के बाद ही उसे आगे भेजा जा रहा है। ये आप देख सकते हैं, लाइंस जो हैं वो लग चुकी हैं, लंबी कतार इस वक्त है। और ये सीधी तस्वीरें इस वक्त आप कैराना से देख रहे हैं, जहां पर इस तरीके से चेकिंग होने के बाद ही हर किसी को अंदर भेजा जा रहा है। महिलाओं की अलग लाइन है, उसके अलावा आप जो युवा हैं उनकी अलग लाइन है। और ये देखिए, युवाओं की संख्या भारी है। स्कूल के जो युवा हैं, कौन से स्कूल से? नेशनल इंटर कॉलेज। नेशनल इंटर कॉलेज, तो योगी को देखने आए? हाँ जी। क्या जोश है योगी को लेके? बहुत अच्छा जोश है जी। हाँ जी, कुछ काम किए उन्होंने कैराना के? बहुत अच्छे काम किए जी। हाँ जी। बुलाए किसी ने कि अपने आप आए? सर, स्कूल वाले ने बुलाया। अच्छा, अपना भी आया जी। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, तो चलिए, ये आपका क्या नाम है? सोनू। क्या कहोगे आज योगी आ रहे हैं, आप लोगों की क्या मांगे? हमारे तो मांग पढ़ाई के लिए ही है बस। पढ़ाई के लिए? हाँ। क्या मांग है पढ़ाई के लिए? बस हमारा फ्यूचर अच्छा होना चाहिए। तो ये देखिए आप, महिलाएं भी हैं और भारी संख्या में लगातार जो है यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था की जा रही है। ये तस्वीरें आपके सामने हैं, मैं दिखाऊँ, दिखाइए कि किस तरीके से महिलाओं की भारी संख्या, भागीदारी जो है महिलाओं की यहाँ पर नजर आ रही है और लोग लगातार जुटते नजर आ रहे हैं। भारी संख्या में महिलाएं यहाँ पर जुटी हैं, गांव-गांव से और कैराना से लोग इस वक्त आ रहे हैं। हालांकि मुख्यमंत्री का 11:50 पर हेलीकॉप्टर कैराना में उतर जाएगा और लगभग एक घंटे बाद या आधे घंटे के बाद की देरी के बाद वो यहाँ पर पहुँचेंगे। और उससे पहले भीड़ जो है वो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लोग आने शुरू हो चुके हैं। आप क्या कहेंगे, योगी जी आज आ रहे हैं, कितना जोश और उत्साह है क्या कैराना के लिए, शामली के लिए? योगी ने इन 5 सालों में कुछ किया कि नहीं?
जी करा है, बहुत कुछ करा है। हमारे लिए तो ये है कि विकास होना चाहिए, चाहे जैसे भी हो, शिक्षा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, हर क्षेत्र में हमें सिर्फ विकास की ज़रूरत है और कुछ नहीं। मतलब आपको दिखा वो विकास की, सिर्फ लोग तो कह रहे हैं सिर्फ बातें बातें हुई है, विकास नहीं हुआ? नहीं सर, करा है, काफ़ी कुछ करा है। अब उस चीज़ को लोग बाग पॉजिटिवली लेते हैं तो अच्छी बात है, नेगेटिव लेते हैं तो वो उनके ऊपर बात है, जो भी है। क्या कहेंगे, मतलब जैसे कैराना में कई मुद्दे थे, गुंडागर्दी का, पलायन का मुद्दा, काफी लोग यहाँ से छोड़कर जा चुके थे, क्या वो गुंडागर्दी का जो माहौल था वो अब खत्म हो? जी वो तो काफी हद तक खत्म हुआ है कि लोगों के अंदर ये जो था कि एक दादागिरी वाला, वो सब कुछ खत्म हुआ है, बहुत हद तक खत्म। महिलाओं की सुरक्षा की अगर बात की जाए, वो पहुंची है, महिलाएं सुरक्षित अपने आप को महसूस कर रही हैं? जी 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 बिल्कुल, महिलाएं इस वक्त सुरक्षित महसूस करती हैं कि अगर कोई कुछ कहता है तो वो जाके पुलिस में सीधा कंप्लेन करें तो एक्शन होता है, रैपिडली एक्शन होता है उस चीज के लिए। जैसे राशन फ्री की बात चल रही है, फ्री घर की बात चल रही है कि जो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत है, क्या वो सिर्फ एक तबके को मिले हैं या उसमें भेदभाव रहा है, या आपको लगता है बिना किसी भेदभाव के सबको वो मिला है? देखिए उसके बारे में तो जो जिनके पास डाटा है वो बता सकते हैं उस चीज़ के बारे में कि किसको मिला है किसको नहीं मिला, उसके बारे में हमारे पास कोई। लोग बोलते थे हिंदू मुसलमान देखकर बात करते हैं योगी, लेकिन आपको क्या लगता है? नहीं सर, वो तो एक मेंटेलिटी जिन लोगों की ये है हिंदू मुस्लिम वाली, वो तो रहेगी, उस चीज़ के बारे में नहीं कह सकते। वो चाहे आप इन चीज़ों राशन के बारे में बात करें या किसी और मुद्दे के बारे में बात करें तो वो चीज़ रहेगी, लेकिन जो रियलिटी है वो उन लोगों को पता है जिनको मिला है। जिनको मुस्लिम्स को मिला है वो कहेंगे नहीं अच्छे हैं, हमें मिला है। जिन्हें नहीं मिला है वो यही कहेंगे कि नहीं मिला। लाभ मिल पाया सरकार में कुछ की नहीं? जी सर हमें नौकरी मिली है। 2022 में आपको लग रहा है कि योगी जो है वो फिर से लौट पाएंगे कि नहीं? जी देखिए 50-50 वोट देंगे। जी देंगे बिल्कुल, दिल से। जी बिल्कुल, हमने सोचा था जो नौकरी देगा उसे वोट भी देंगे। तो मतलब नौकरी तो सिलेक्शन के आधार पे मिली है, आपको लगता है कि ट्रांसपेरेंसी रही है जो पहले एक दादागिरी रहती थी नौकरी में? जी ट्रांसपेरेंसी रही है, क्योंकि मेरिट बेस हुआ है तो उस चीज में तो आप कुछ हो ही नहीं सकता है, ऊपर नीचे बहुत अच्छा रहा है। तो ये आप देख सकते हैं कि महिलाएं जो है साफ तौर पर बोल रही हैं कि काफी कुछ हुआ है, और इस वक्त ये सीधा प्रसारण, ये वो एंट्री पॉइंट्स हैं जहां पर चेकिंग होकर लगातार लोग अंदर जा रहे हैं। ये चेकिंग पॉइंट्स आपके सामने हैं और इस तरीके से एक एक शख्स को यहां पर चेक करके वो जा रहे हैं। ये आप देखिए कि किस तरीके से यहाँ पर ये दो लाइन है, एक महिलाओं के लिए है और एक यहाँ पर पुरुषों के लिए लाइन है जो यहाँ पर अपनी चेकिंग के बाद अंदर आ रहे हैं, और महिलाओं की बैग्स की भी चेकिंग यहाँ पर हो रही है। ये आप देख सकते हैं कि उनकी चेकिंग के लिए अलग है, और कोरोना गाइडलाइंस का पालन करने के लिए यहाँ पर जो मास्क हैं वो अवेलेबल नजर आ रहे हैं, उसके अलावा ग्लव्स भी यहाँ पर आप देख सकते हैं, सैनिटाइजर यहाँ पर है। तो ये तस्वीरें इस वक्त योगी के इस कार्यक्रम को लेकर हैं, और भारी संख्या में महिलाएं भी यहाँ पर नजर आ रही हैं जो इस कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंची है। यही रास्ता सीधा रैली स्थल पर जाता है, यानी ये तस्वीरें आपके सामने, कुछ महिलाएं उनसे बातचीत करेंगे। आप कहाँ से आए? हाँ जी हम लिसार श्यामली से आए। अच्छा, क्या कहेंगे आप, किस तरीके से आज इस कार्यक्रम को देख रहे हैं? क्या योगी के आने से उत्साह है लोगों में, वो अपनी मर्जी से आ रहे हैं, जबरदस्ती उन्हें लाया जा रहा है? नहीं नहीं, अपनी मर्जी से आए सर, अपनी मर्जी से आए हैं। योगी का जलवा भी है कि नहीं? नहीं जलवे है तभी आए हैं। तो ये महिलाओं की राय है, और पीछे देखिए भारी संख्या में है, और सबसे बड़ी बात किस तरीके से पुलिस कर्मी आपको हर जगह पर मिलेंगे कि वो अपनी ड्यूटी करते हो। और ये देखिए मैं देख पा रहा हूँ जो लाइन पुरुषों की थी उतनी लाइन महिलाओं की, यानी भारी संख्या में ये कोशिश की गई है कि योगी के इस कार्यक्रम में महिलाएं जबरदस्त तरीके से आए। और बस अब इससे कुछ ही कदम नापते हुए जब हम आगे बढ़ेंगे तो वो रैली स्थल का जो द्वार है वो आपको दिख जाएगा। और ये देखिए ये महिलाएं ये कितनी संख्या में यहां पर जा रही हैं, ये देखिए, और लगातार लोगों का हुजूम इस रैली के लिए भी जुड़ चुका है, आ रहे हैं लोग। और जब वक्त अभी कम है, 12 बजे के आसपास योगी यहां पर होंगे, और उससे पहले ये तस्वीरें आपके सामने हैं। और सबसे बड़ी बात कि कैराना का जो शख्स है वो यहां पर आ रहा है, वो सुरक्षा की बात कर रहे हैं। हमने महिला से बात की तो वो कह रही थी सुरक्षा दी है, नौकरी दी है, ट्रांसपेरेंसी से हमारा नंबर आया है और इसीलिए हम यहां पर पहुंचे हैं। और ये आज लगभग सैकड़ों परियोजनाओं का शिलान्यास लोकार्पण यहां पे होगा, और ये रैली स्थल पर आप पहुंच चुके हैं। ये तस्वीरें आपके सामने हैं, यहां पर ये तस्वीरें, ये रैली स्थल, ये आप देखिए वो मंच नजर आ रहा है, वो मंच नजर आ रहा है। और हम इधर से अगर आपको लेकर चलें तो ये तस्वीरें आपके सामने हैं, ये आप देख सकते हैं कि किस कदर
अभी बीच का जो हिस्सा है वो भरना शुरू हो गया है और इधर अभी लोगों के आने की प्रतीक्षा हो रही है, लेकिन यहाँ पर लोग आने शुरू हो चुके हैं। पोस्टर बैनर जो हैं वो लगाए जा रहे हैं, इधर चादर लगाकर इसको ढक दिया गया है। ये तस्वीरें आपके सामने हैं और यहाँ पर महिलाओं के बैठने की व्यवस्था की जा रही है। कुछ स्टूडेंट्स भी यहाँ पर भारी संख्या में पहुँचे हैं, स्कूल गर्ल्स हैं वो भी आई हैं, ये आप देख सकते हैं। और जो बॉयज़ हमने दिखाए वो भी स्कूल से यहाँ पर आए हैं। तो ये देखिए, ये युवा वर्ग यहाँ पर भारी संख्या में दिखाई दे रहा है, जो अभी पढ़ाई कर रहा है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। और इस तरीके से ड्यूटी के लिए यहाँ पर लोगों को लगा दिया गया है कि व्यवस्था बने और हर जगह पर। और ये तस्वीरें आपके सामने हैं, ये देखिए आप, जोश उत्साह इनके साथ लगातार नजर आ रहा है, ये तस्वीरों में है। और यहाँ पर अगर मैं दिखाऊं, महिलाओं ने भी अपनी जगह ले ली है, ये आप देखिए। और वो मंच है, वो सामने आपके मंच है, जहाँ पर योगी आदित्यनाथ आपको दिखाई देंगे कुछ ही देर में। ये तस्वीरें हैं, ये तस्वीरें आपके सामने, ये देखिए आप रोहित, ये तस्वीरें दिखाइए। महिलाएं भारी संख्या में यहाँ पर हैं, भारी संख्या में महिलाएं जुटी हैं और पुलिस फोर्स उधर भी पहरा लगाए बैठी है कि कोई भी चूक यहाँ में सुरक्षा में न रह जाए। इधर भी महिलाएं काफ़ी संख्या में हैं और ये पूरा स्थान महिलाओं के लिए ही है। क्या आप क्या कहेंगे, आज योगी जी आने वाले हैं, कितना उत्साह जोश है, अपनी मर्जी से आए हैं कि लेकर आया कोई, बताइए। अपनी मर्जी से आए सर। क्या कहेंगे योगी के बारे में, और जो अपनी बात कह रहे हैं कि अपनी मर्जी से आए हैं। और यहाँ पर कुछ वीवीआईपी लोग इस वो करा गया है, उनके लिए अरेंजमेंट्स है कि वो यहाँ पर बैठ पाएं। उधर आप व्यवस्था देख रहे हैं, तो मीडिया कर्मी हैं जहाँ पर, अब अभी हम पास के जरिए वहाँ पर पहुँचेंगे। तो ये तस्वीरें आपके सामने हैं कि किस कदर लोगों का हुजूम और लोग भारी संख्या में हैं। तो अभी वहाँ पर आपको ले चलते हैं, मीडिया कर्मी जहाँ पर हैं वहाँ आपको लेकर चलता हूँ। पास के जरिए एंट्री है, कुछ इस तरीके से पासेस बनाए गए हैं और उन्हीं के जरिए यहाँ पर लोगों की एंट्री हुई होगी। तो चलिए वहाँ पे आपको लिए चलता हूँ। तो ये देखिए, आरएएफ की जो कंपनीज हैं वो भी लगा दी, आपको बता दें पीएससी बल भी यहाँ पर ज़बरदस्त तरीके से लगाया गया है, ये तस्वीरें आपके सामने हैं। और इधर भी, इधर लोगों का आना इधर से भी होगा, तो इधर भी व्यवस्था की गई है। तो लगातार, और मैं कहूँगा एक बार मंच पर आप दिखाएं रोहित, ये मंच की तस्वीरें भी आप देख लीजिए, तो समझा जा सकता है जब योगी आएंगे अब से लगभग एक घंटे बाद जब वो पहुंचेंगे, तो उससे पहले लोग अब यहाँ जुटने शुरू हो गए हैं। हालांकि अभी तो कुर्सियाँ खाली हैं, लेकिन जैसे जैसे वक्त निकलेगा लिहाजा कुर्सियाँ भी भरती हुई दिखाई देंगी। और आज ये कैराना की धरती पर योगी का समझिए पहला आगमन है, इससे पहले योगी यहाँ पर नहीं आए। 2017 में ज़रूर एक बार आए थे, 18 में एक बार आए थे, लेकिन उसके बाद यहाँ पर वो नहीं आए। और पहला ये कार्यक्रम खासकर कैराना में है, इससे पहले कैराना में नहीं आए। शामली में योगी के दो कार्यक्रम हो चुके हैं, लेकिन यहाँ पर आज मुख्यमंत्री योगी पहुँच रहे हैं। और लगातार हेडलाइंस इंडिया ये अपडेट्स आपको देता रहेगा, आप इसको भी वीडियो को शेयर कीजिए और जुड़ रहिए हमारे साथ, सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए, क्योंकि मुद्दे की बात बदस्तूर जारी रहेगी। नमस्कार।